अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक ब्रांड न्यू पिस्टल है और पाकिस्तान में भी ये बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुई है। इनफैक्ट पाकिस्तान में ये इस वक्त पहला रिव्यू होगा और मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की है। कैनिक का पिस्टल है, सुपीरियर फायर आर्म्स बनाने वालों की तरफ से, और TP9 SFX एक बड़ी फेमस पिस्टल आजकल चल रही है, कॉम्पिटिशन पिस्टल, और ये उसका एडवांस वर्जन है, कैनिक TP9 SFX राइवल। बहुत अच्छी पैकिंग में ये पिस्टल आया है और प्लास्टिक फाइबर बॉक्स है, वेरी नाइस क्वालिटी, और इसको हम अनबॉक्स करेंगे। ब्रांड न्यू पिस्टल है बिल्कुल, और इसको हम फर्स्ट टाइम इसको अनबॉक्स कर रहे हैं। ये इसका स्टिकर बाहर जैसे लगा हुआ है, लेबल कैनिक SFX राइवल, कैनिक ग्रे कलर में ये पिस्टल है, और इसकी पैकिंग आप देख सकते हैं। बॉक्स के अंदर पूरा पैकेज है, कंप्लीट पैकेज है। अब इसके साथ हम चेक करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसके साथ आई हैं। तो व्यूअर्स, ये इसका पैकेज है, और पहले मैं दिखाऊं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ें आई हैं। SFX राइवल का ये ओनर्स मैनुअल है, पूरा कंप्लीट डिटेल मैनुअल है, सारा इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके सारे ऑप्शंस, इसके टूल्स कौन से कैसे यूज़ करने हैं, फील स्ट्रेप करना, असेंबल करना, ये सारी डिटेल्स इस मैनुअल में है। फिर इसके साथ जो किट आई है उसके अंदर ये क्लीनिंग ब्रश है, जो बैरल क्लीनिंग ब्रश होता है। बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में हर चीज़ अपनी प्रॉपर एलोकेट हुई हुई है। ये ब्रश है, क्लीनिंग ब्रश, इसका जो रॉड होती है क्लीनिंग रॉड, बैरल क्लीनिंग रॉड, और ये इसकी बैक स्ट्रैप्स हैं जो पिस्टल में यहाँ पे लगते हैं, ये एडिशनल बैक स्ट्रैप्स हैं इसके। ये इसका टूल है, और इसकी मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ जो मुझे इसके अंदर लगी है वो ये एक छोटा सा इन्होंने पिस्टल दिया जो की चेन लगता है, बट दिस इज़ नॉट अ की चेन। इसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं, एडिशनल स्क्रूज़ हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये नीचे इसके जो रिसीवर है, यहाँ पे एक स्लाइड है, ये ओपन होती है, इस स्लाइड के अंदर से ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इसके अंदर, जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सो व्यूअर्स, इस पिस्टल के अंदर जो है वो एडजस्टेबल साइड्स हैं, तो ये साइड एडजस्टमेंट टूल है, और इसके अंदर एडिशनल फाइबर ऑप्टिक दी हुई है जो कि फ्रंट साइड में की रिप्लेसमेंट अगर वो ख़राब हो जाए तो, और ये डिफरेंट टूल्स हैं, ये मैगज़ीन रिलीज़ बटन इसके दिए हुए हैं, एडिशनल डिफरेंट स्पेस डिफरेंट साइज़ के, वो जब मैं फर्दर रिव्यू में आप देखेंगे, और ये मैगवेल लगाने के लिए इसके स्क्रूज़ हैं, तो वो मैं आपको बता दूंगा कि कब कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है। बहुत ही डिसेंट ये इन्होंने चीज़ दी है जो मुझे पर्सनली बड़ी पसंद आई है, और मैंने आज तक किसी पिस्टल के साथ ये ऐसा एडिशनल इतना सामान देखा नहीं है, तो दिस इज़ फर्स्ट टाइम। ये संभाल के रखने वाली चीज़ें हैं। जस्ट लाइक अ की चेन। लेकिन ये की चेन है नहीं। अब हम पिस्टल की तरफ आते हैं। ब्रांड न्यू पिस्टल है और ये आप देख सकते हैं कैनिक TP9 SFX फर्स्ट रिव्यू ऑफ पाकिस्तान, और ये टैक्टिकल केस में भी आया है कंपटीशन होल्स्टर में। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होल्स्टर है, ये फिट एंड लॉक होल्स्टर होता है। ये ईजीली पिस्टल आप देख सकते हैं, ये फिट एंड लॉक होल्स्टर है राइवल की तरफ से। इसमें ब्रांडिंग भी हुई है राइवल। पिस्टल का सेफ्टी चेक, ब्रांड न्यू पिस्टल है लेकिन हम इसका सेफ्टी चेक ज़रूर करेंगे। मैगज़ीन रिलीज, मैगज़ीन इज़ एम्प्टी, बैरल इज़ क्लियर। तो व्यूअर्स, पिस्टल हमारी क्लियर है। इसके साथ हमारे साथ 3 मैगज़ीन आते हैं। एक मैगज़ीन ये है, 2 मैगज़ीन्स हैं। तीन मैगज़ीन्स हैं इसके साथ, और इन मैगज़ीन्स के अंदर बड़ी अच्छी सेरामिक कोट हुआ है जिसको सेरा कोट बोलते हैं, जो कि डेडिकेटेडली एक्सक्लूसिवली राइवल के लिए किया गया है। ये कोट मैगज़ीन लोडर है, और उसके बाद इसके साथ मिला है एक मैगवेल, जो कि आप फ्रेम में ये नीचे इधर लगता है। और जो मैंने आपको स्क्रू दिखाए थे वो यहाँ पे फिट हो जाता है, तो ये मैगवेल लग जाता है, जिसकी जब आप लोडिंग के लिए आपको बड़ा ईज आता है वो। तो ये इसके 3 मैगज़ीन्स हो गए व्यूअर्स। ब्रांड न्यू पिस्टल है। पिस्टल के एर्गोनॉमिक्स आप देख सकते हैं कैमरे के अंदर। बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइन का ये पिस्टल है। इसके साथ हमारे पास जो चीज़ें आई हैं, और वही ऑप्टिक्स के लिए डिफरेंट ऑप्शंस इन्होंने दिए हुए हैं। ये यहाँ पे ये रेयर साइड रिमूव हो जाती है यहाँ से, और इसके साथ आप डिफरेंट ऑप्टिक्स लगा सकते हैं। जो टॉप 4 इसके साथ डिफरेंट साइज़ की प्लेट्स दी हुई हैं, जो कि टॉप वेनॉम का या कोई भी अगर आप ऑप्टिक लगाना चाहें तो ऑप्टिक यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। प्लेट यहाँ पे स्क्रूज के साथ लग जाती है, और इसकी जगह पे यहाँ पे ऑप्टिक रेडी पिस्टल हो जाएगा ये, क्योंकि ये कंपटीशन का पिस्टल है। इसके साथ मैगज़ीन्स के लिए ये दिया हुआ है। मैगज़ीन्स की बेस प्लेट है मैगज़ीन्स की, क्योंकि अगर आप वो मैगवेल लगाते हैं तो ये आपको मैगज़ीन्स का ईजीली उसकी बेस प्लेट लोड करने में आसानी रहती है। सो व्यूअर्स, ये पैकेज था, और अब हम मूव करेंगे पिस्टल की तरफ। सो व्यूअर्स, दिस इज़ कैनिक TP9 SFX Rival। ये आप देख सकते हैं कैनिक SFX Rival, और आजकल बहुत कैनिक TP9 SFX कॉम्पिटिशन रेडी पिस्टल है, बहुत फेमस पिस्टल आया हुआ है। ये उसका एडवांस वर्जन है, और इसका रिव्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसका जो वेट है, बहुत ही लाइट वेट वेपन है ये। 835 ग्राम्स इसका वेट है, लेस देन अ kg। और इसके साथ साथ मैं TP9 SFX का भी कंपैरिजन आपको बताता रहूँगा, ताकि क्योंकि जब मैं रिसर्च अपने लिए भी कर रहा था तो मुझे बड़ी मुश्किल से इसका कंपैरिजन मिला था TP9 के साथ, TP9 SFX के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को वो परेशानी ना हो। सो इसका वेट है 835 ग्राम्स। बहुत ही अच्छा और बैलेंस पिस्टल है। हाथ में आपके पाम में बड़ा बैलेंस पिस्टल है ये। बैक स्ट्रैप्स आपके पाम साइज़ के हिसाब से इसके एडिशनल मैंने आपको दिखाए थे, जो बैक स्ट्रैप्स हैं वो आप अपने पाम के साइज़ के हिसाब से यहाँ पे फिट कर सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 8.09 इंचेस, और वेरस जो TP9 SFX है वो इससे लेंथ में ज़्यादा होती है, और वो होती है 8.29 इंचेस है उसकी लेंथ। इसकी जो हाइट है और वो है 5.7 इंचेस, और TP9 SFX की भी जो हाइट है वो सेम ही है। TP9 SFX और राइवल का जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि वो उसके डिज़ाइन चेंज है और वो लेंथ में थोड़ी सी ज़्यादा है इससे, वरना हाइट दोनों की सेम है 5.70, विड्थ इसकी है 1.41 इंचेस है इसकी, और वेरस TP9 जो SFX है उसकी जो विड्थ है वो 1.38 है, तो हल्का सा फ़र्क है विड्थ में। इसकी जो बैरल लेंथ है उसमें फ़र्क है, इसके जो बैरल लेंथ है दैट इज़ 5 इंचेस। अभी मैं जब इसको फील्ड स्ट्रिप करूँगा तो मैं आपको बैरल दिखाऊँगा, उसकी लेंथ है 5 इंचेस, वेरस जो TP9 SFX है उसकी बैरल लेंथ जो है वो 5.2 इंचेस है। और इसकी जो मार्किंग्स अब देखते हैं, ये 9 mm 9x19 कैनिक SFX राइवल, बहुत ही सुपर क्वालिटी का ये पिस्टल है। फ्रंट सरेशंस पिस्टल को इजीली आप लोड कर सकते हैं, आगे से करना चाहें, बैक से करना चाहें। और एम्बीडेक्स्ट्रस इसका स्लाइड लेवर है, स्लाइड कैच लेवर जो है वो एम्बीडेक्स्ट्रस है, दोनों साइड के ऊपर है। और मैगज़ीन रिलीज बटन्स का बहुत ही कंफर्टेबल लोकेशन पे थंब पर दिया हुआ है, जो कि आप दूसरी साइड पे भी अगर लगाना चाहें तो यहाँ पे ये फिट हो जाता है। और इसकी जो कोट है ये स्पेशल कोट है जो कैनिक के लिए एक्सक्लूसिव सेरा कोट बोलते हैं, इसका जो ग्रे कलर है और जो कोटिंग हुई हुई है सारी, ये गोल्ड कलर में ये कोट हुआ है सारा। इसका मैगज़ीन मैगवेल्स वगैरह, मैगज़ीन भी मैगवेल और मैगज़ीन रिलीज बटन, ट्रिगर लॉक, ये सब जो है ये गोल्डन कोट है। और जो पिस्टल पे जो कोट हुआ है फ्रेम स्लाइड पे और फ्रेम पे, ये एक एक्सक्लूसिव कैनिक के लिए कैनिक ग्रे सेरा कोट कोटिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीड मैनुअल बिफोर यूज़। यहाँ पे पिस्टल के नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है मेड इन टर्की। अब चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। फ्रंट इसकी ऑप्टिक फाइबर ऑप्टिक फ्रंट साइट है, और जो रेयर साइट है वो फुल एडजस्टेबल है, विंडेज एलिवेशन दोनों एडजस्टेबल है। और जो मैंने आपको टूल दिखाया था शुरू में वो यहाँ पे आगे फिक्स होता है, और उसके बाद आप यहाँ पे एलन की जो इसकी लगती है उससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टेबल साइट है जो कि कॉम्पिटिशन्स के लिए, शूटर के लिए बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है। आप अपने आई सेट के हिसाब से, अपने विजन के हिसाब से आप पिस्टल को एडजस्ट कर सकते हैं। स्लाइड रिलीज बटन ये रहा इसका, मैगज़ीन रिलीज बटन बहुत ही अच्छा है। और आप जब कंपटीशन में आपको मैगज़ीन फ़ौरन चेंज करने होते हैं तो वेरी इजीली जो है मैगज़ीन इसका रिलीज़ होता है। इसको मैं खोल देता हूँ। तो व्यूअर्स का अब हम ट्रिगर चेक करेंगे। ट्रिगर भी बहुत आप देख सकते हैं कैमरे में, मैं आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखाता हूँ। वेरी स्पेसिफिक डिज़ाइंड इसका ट्रिगर है, 90 डिग्रीज़ एल्यूमिनियम फ्लैट ट्रिगर है, ये बहुत ही सुपर क्वालिटी का ट्रिगर है ये। और इसका जो ट्रिगर पुल वेट है, एक इसका फर्स्ट पुल लेता है ये स्लाइड, ये देखें एक फर्स्ट पुल के बाद ये बहुत ही क्रिस्प ट्रिगर है इसका। फर्स्ट पुल और इसका वेरी वेरी क्रिस्प ट्रिगर है, कंपटीशन के लिए बहुत बेहतरीन पिस्टल होगा ये। इट्स जस्ट अराउंड 4.5 पाउंड्स का इसका ट्रिगर पुल वेट है। और रीसेट बहुत ही बेहतरीन रीसेट है इसका। तो व्यूअर्स वेरी इम्प्रेसिव ट्रिगर। फ्रंट फाइबर ऑप्टिक साइट है इसकी, रेयर एडजस्टेबल साइट है। और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, आप ये देख सकते हैं ब्लैक है इस वक्त, और मैं जब लोड करता हूँ इसको स्लाइड से तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी पिस्टल जो है वो चैम्बर लोडेड है। वेरी नाइस ऑप्शन। जब इसका हम ट्रिगर प्रेस करते हैं तो ये चीज़ हट जाती है। एट अ ग्लैंस आप देख सकते हैं कि पिस्टल लोड हुआ है। हाथ में जो लेने की इसकी जो फील है दैट इज़ सुपर्ब, बहुत अच्छी इसकी फील है। और ग्लॉक के जो पिस्टल्स आते हैं जेव टेक्नोलॉजीज़, जो कि 5-7 लाख रुपए का ट्रिगर होता है, तो ये पिस्टल उसके मुकाबले में बहुत, एक तो इसकी एर्गोनॉमिक्स, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और पिस्टल जिस प्राइस में मिला है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो हमेशा मुझसे शिकायत करते हैं कि मैं प्राइस नहीं बताता। प्राइस एक्चुअली इतनी फ्लक्चुएट होती है तो मैं प्राइस बताता नहीं हूँ, लेकिन ये एक ब्रांड न्यू पिस्टल है और सबको एक एंजाइटी होती है कि ये क्या प्राइस कितने की होगी, तो इसकी प्राइस मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये इस वक्त कराची में जो अवेलेबल है 2 लाख रुपए में अवेलेबल है, 200,000 रुपीस की ये अवेलेबल है। और इस वक्त बहुत ही कम गन शॉप्स पे ये अवेलेबल है। इस वक्त जमजमा पे कराची में गंजन एक्सेसरीज़, जाहिद मोतीवाला और सुमैर के पास ये पिस्टल अवेलेबल है। वहीं से मुझे भी मिली है, मैंने उनको बोला हुआ था कि जैसे आए तो मुझे बताना। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट पिस्टल विच आई हैव राइट नाउ। ओके व्यूअर्स, आगे हम चलते हैं। अब इसको हम अच्छा, इसके जो मैगज़ीन है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मैगज़ीन है, 3 मैगज़ीन है इसके और 18 राउंड्स इसकी कैपेसिटी है। वेरी नाइस कैपेसिटी। पिस्टल के साथ इसका होल्स्टर भी आया हुआ है तो आपको कोई परेशानी नहीं है, पिस्टल बहुत ही अच्छा फिक्स हो जाता है ये। वेरी इम्प्रेसिव पिस्टल। अब हम इसको फील स्ट्रिप करेंगे। इसको फील स्ट्रिप भी बड़ा यूनिक है इसका, नॉर्मल तरीके से ये फील स्ट्रिप नहीं होती है। इसका एक मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, इसको फील स्ट्रिप बड़ा डिफरेंट इसका तरीका है। पहले तो आपने थोड़ी सी स्लाइड को पीछे करना है जैसे कि नॉर्मल स्ट्राइकर फायर पिस्टल में होती है। ये भी स्ट्राइकर फायर पिस्टल है। आपने स्लाइड रिलीज बटन जो है इसको नीचे करना है और ये स्लाइड आगे हो जाती है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये मार्किंग दी हुई है, ये मार्किंग को आपने बस ये इस तरीके से ये उठ जाएगी। ये पूरी स्लाइड अगर आपने इसको आगे किया, जैसे मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये जो बटन है आप देख सकते हैं ये वाला, ये जो चीज़ है आपने इस लैच में फिक्स करनी है ये, और पिस्टल को जब आप पीछे करेंगे तो ये फिक्स हो जाती है। आपने ख्याल ये रखना है कि आपने थोड़ा सा इसको पीछे स्लाइड को पुल बैक करना है और स्लाइड रिलीज़ करनी है। स्लाइड रिलीज़ करके बस इसके जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्किंग है इसकी, ये है सरेशन टाइप दिया हुआ है और ये ब्लैक स्पॉट है इधर। इसी के बिल्कुल 90 डिग्रीज पे आपने स्लाइड को उठाना है। ये अगर आपने स्लाइड को आगे ले जाएंगे तो ये अटक जाएगी, तो वो आपको थोड़ी परेशानी होगी उसको निकालने में। सो ये है हमारे पास स्लाइड जो कि स्टील स्लाइड है, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की इसकी स्लाइड है और ये इसका पॉलीमर फ्रेम है, पॉलीमर फ्रेम है। और इसकी इन बिल्ट आप देख सकते हैं सारी जितनी भी इसकी मशीनरी है लगी हुई है। मार्किंग्स आप देख सकते हैं, टूल मार्क्स बिल्कुल भी नहीं है पिस्टल के ऊपर। बेहतरीन क्वालिटी के आप दिख रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी टर्किश पिस्टल है ये, मेड इन टर्की। और बेहतरीन मुझे इसका फ्रेम दिख रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पिटिशन पिस्टल्स, अदर पिस्टल्स इन द मार्केट। जो दूसरी अवेलेबल ग्लॉक है, ग्लॉक के जो जनरेशन 3, 4 जो है, 5 में तो उन्होंने फिर भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन जन 3 और 4 के मुकाबले में ये बहुत अच्छी इसकी फ्रेम है। अब हम स्लाइड देखते हैं, जिसकी स्लाइड है स्प्रिंग, इसका स्प्रिंग भी बहुत अच्छी क्वालिटी का स्प्रिंग है, आप देख रहे हैं डुअल कॉइल स्प्रिंग है इसका और वेरी नाइस क्वालिटी। इसका बैरल ये, इसका बैरल आप देख सकते हैं। अगर आपने ग्लॉक में जेफ टेक्नोलॉजी की बैरलिंग देखी है तो ये बिल्कुल उससे सिमिलर है और आपको इस प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी, दिस इज़ अमेजिंग। टर्की ने बहुत अच्छा शूटर्स के लिए जो है वो समझें कि गिफ्ट दिया है। बैरल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, अंदर बैरल के अंदर जो मार्किंग्स हैं, मशीनरी आप देख सकते हैं सारी मशीनिंग, वेरी नाइस। बैरल की क्वालिटी इटसेल्फ बहुत अच्छी है। अब हम पिस्टल को असेंबल करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि ये 4 पीस में आपका पिस्टल जो है वो डिसअसेंबल हो गया है। इसको असेंबल करेंगे, स्लाइड के अंदर हम बैरल फिट करना है, स्लाइड को इसके अंदर पुश करके स्प्रिंग आपने पुश करके लगा देना है बैरल के पास और ये आपका स्लाइड फिक्स हो गई है। अब इसको अपने फ्रेम में फिट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये इसकी मार्किंग दी हुई है, ये वाला जो आप देख सकते हैं स्टील एक बटन है और यहाँ पे ये मार्किंग दी हुई है कैनिक के बिल्कुल नीचे। इसको आपने जैसे ग्लॉक में होता है और दूसरी जो पॉलीमर पिस्टल्स होती हैं स्ट्राइकर फायर्ड, उसमें आप यहाँ से रेल में फिट करते हैं। इसको यहाँ से अगर आप फिट करेंगे तो यहाँ पे जाके स्टक हो जाएगी। तो इसका तरीका ये है कि आपने इसको यहाँ पे बिठाना है स्ट्रेट, पिस्टल रेल में फिट हो जाता है आराम से और आपने हल्का सा पुश करना है, पिस्टल आपकी फिक्स हो जाती है। सो व्यूअर्स, कैनिक TP9 SFX Rival 2 लाख रुपए में ये इस वक्त अवेलेबल है कराची में और पेशावर में। ऑब्वियसली ये 20 से 25 हज़ार रुपये सस्ता होगा। तो जो मेरे व्यूअर्स हैं पेशावर में, जब मैं प्राइस कोट करता हूँ मुझे फ़ौरन बताते हैं जी इतने का है यहाँ पे। भी आप बिल्कुल सही कहते हैं, पेशावर में 25-30 हज़ार रुपये आप कैरेज के माइनस कर दें यहाँ जो कराची में अवेलेबल कॉस्ट है। तो दिस इज़ 200,000 राइट नाउ अवेलेबल इन कराची। और इसका जो दूसरा प्रीवियस मॉडल है TP9 SFX, वो 1.5 लाख रुपए का अवेलेबल है इस वक्त मार्केट में। लेकिन मुझे TP9 SFX भी मैंने देखी हुई है और TP9 SFX राइवल मेरे हाथ में है। ये एडवांस वर्जन है इसका। इसका ट्रिगर, इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी साइट्स, सबसे बड़ी बात एडजस्टेबल साइट्स हैं जो कि एक शूटर के लिए ब्लेसिंग होती है एडजस्टेबल साइट, क्योंकि अगर आप आफ्टर मार्केट जाते हैं साइट परचेस करने, वो 25 से 50 हज़ार के दरमियान में आपको एक साइट मिलती है। तो आपको हर चीज़ एक कंप्लीट कंपटीशन रेडी पिस्टल है। अगर आपके इसके ऑप्टिक्स भी लगाना चाहेंगे तो वो भी मार्केट में अवेलेबल होती है और एडिशनल कॉस्ट में। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू। पिस्टल का डिज़ाइन आप देखें, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप भी कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको पिस्टल कैसी लगी। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। अब मैं इसका शूटिंग रेंज पे ले जाके वो शूटिंग रेंज रिव्यू भी करूँगा ताकि कंप्लीट एक इसका रिव्यू मैं आपको देख सकूँ। इसकी रेल्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप टॉर्च भी लगा सकते हैं, अगर आप लेज़र लगाना चाहें वो भी लग सकती है। कंप्लीट पिस्टल है और आपके पाम, मुझे तो ये बहुत ही बैलेंस पिस्टल इस वक्त लग रहा है। वेरी इंप्रेसिव पिस्टल। व्यूअर्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि से नो टू एरियल फायरिंग। एरियल फायरिंग इज़ वेरी डेंजरस और मैं पहले दिन से ये फोकस हमेशा करता हूँ कि एरियल फायरिंग से गुरेज करें। दैट इज़ वेरी डेंजरस और आपको नहीं पता कि आपकी एक फ़ायर से किसका क्या नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। तो शूटिंग करनी है आप शूटिंग रेंज पे जाके करें। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।